सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ बात करने वाला हूँ ओप्पो A12 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पता हूँ कि आप इसमें इस स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे ऑन करेंगे एंड इसको यूज कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस मोबाइल में अपने मोबाइल में ऑटो स्मार्ट कॉल सेटिंग यानी ऑटो आंसर को इनेबल करना चाहते हैं तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर इसको करने के लिए ऑटो आंसर को ऑन करने के लिए हमें अपने मोबाइल के डायल पैड में आना होगा। मैं फिलहाल जाता हूँ अपने मोबाइल के डायल पैड में। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के डायल पैड में। डायल पैड में आने के बाद आपको यहाँ पर 2 डॉट दिखेगा। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर शो हो रहा था, हमें इस पर क्लिक कर देना होगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप सामने दो इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। पहले दिया है ब्लॉक एंड फिल्टर, इसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है हमें इस पर ही क्लिक करना होगा। अब जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले दिया डायल सेटिंग्स दिया। डायल सेटिंग्स में आपको मिलेगा स्पीड डायल मिलेगा, रोमिंग असिस्टेंस मिलेगा, फिर इसके नीचे इनकमिंग कॉल्स मिलेगा। इनकमिंग कॉल्स में आपको मिलेगा सेट रूल्स मिलेगा, फ्लैश ऑन कॉल मिलेगा, रिजेक्ट विथ SMS मिलेगा, फिर ऑटो आंसर मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर जो ऑटो आंसर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, हमें इस पर ही क्लिक कर देना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आंसर कॉल व्हेन कनेक्टेड टू एन ईयरफोन और ए ब्लूटूथ डिवाइस। में बता रहा है कि आपको मोबाइल जब भी कोई यानी कि कोई भी आपको मोबाइल जब भी किसी ईयरफोन या ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा यानी कि डिवाइस से कनेक्ट होगा जुड़ा होगा तो आपका मोबाइल जब इसको आप ऑन कर देंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक उस फ़ोन को जब भी कोई कॉल करेगा तो फ़ोन को ऑटोमेटिक ही रिसीव कर लेगा। अगर आप उस फ़ोन को कितने सेकंड में रिसीव करना चाहते हैं आप उसको भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा डिले ऑटो आंसर का। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप कितने सेकंड में फ़ोन को रिसीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं फिलहाल 5 सेकंड में कर देता हूँ। आप जब भी मेरे मोबाइल पर जब भी कोई भी कॉल करेगा तो अगर मेरा मोबाइल किसी ब्लूटूथ या ईयरफोन से कनेक्ट है तो 5 सेकंड में फ़ोन को ऑटोमेटिक रिसीव कर लेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।